आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने मिलेगी। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, आपके जो नोटिफिकेशन है आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बताऊंगा जो वैकेंसी निकली है, ठीक है। तो सारी जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो पूरा देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में जो कि हमारे आपके त्रिपुरा की वैकेंसी निकली है, ठीक है। टीचर वैकेंसी है जो टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिपुरा टीबीटी, ठीक है। यहाँ पे हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, दे सकते हैं, जो कि सिलेक्शन टेस्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसटीपीजीटी 2020। आपके यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं, 1 बजे से लेकर 4 बजे से 8 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं सिलेक्शन टेस्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं आपका 11th से लेकर 12th के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 11th 12th। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जो वैकेंसी है यू आर कैटेगरी में किन सब्जेक्ट के लिए देखने मिल जाएगी, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दे रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो दे सकते हैं, मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको ईजिली आपको दे सके या स्क्रीन शॉट आप ले सके या पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स है यहाँ पे आप दे सकते हैं, इमेज का साइज दे रखा है, सारी डिटेल बता रखी है, ठीक है। तो उसको आप दे सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। 1 तारीख से इसके लिए आवेदन करना है तो उसकी आपको यहाँ पे रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन रिलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 50% मार्क होने चाहिए फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड बैचलर एजुकेशन बीएड फ्रॉम एनसीटी रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट या पोस्ट ग्रेजुएट इन रिलेवेंट अलाइड सब्जेक्ट आपको देखो विद एटलीस्ट 45% मार्क हो गए फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन द टाइम लिमिट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन डिटरमिनेशन नॉर्म स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकोगनाइज रेगुलेशन आप देखते हैं 2002 नोटिफाई ऑन 13/11/2002 नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए डिग्री रिलेवेंट फील्ड में, ठीक है। यहाँ पे 50% मार्क होने चाहिए फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी एंड बीए एड होना चाहिए, बीएससी एड होना चाहिए फ्रॉम एनसीटी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 5% रिलेक्शन मिल जाएगा, SC/ST कैटेगरी के हैं, ठीक है। डिग्री कोर्स इन टीचर एजुकेशन रिकोगनाइज बाई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स होना चाहिए, ठीक है। बाकी जानकारी दे सकते हैं, एज लिमिट आपकी अप टू 40 रखी गई है, 27/11/2020 से आपकी काउंट होगी, ठीक है। आपको एज रिलेक्शन मिलेगा 5 साल के SC/ST के लिए, ठीक है, वो जो कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 ईयर रिलेक्शन है अलाउड ड्यू टू कोविड-19 की वजह से यहाँ पे आप दिया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन पेपर STPGT का विलैप आपको 150 क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, 1 क्वेश्चन के आपके 1 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हैव टू चूज, आपको सेट डार करना होगा राइट चॉइस पर आंसर पर, ठीक है। ईच क्वेश्चन आपको विन आप क्वेश्चन बुकलेट पर, ठीक है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश और बंगाली में दोनों में OMR आपका सीट रहेगी, ठीक है। सिलेबस की आप देख सकते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर स्ट्रक्चर कॉन्टैक्ट आप सिलेबस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो कि आपको पता चल जाएगा। टेस्ट फी की बात करें, टेस्ट फी आपकी UR कैटेगरी में 300 रुपये रहेगी, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। यहाँ सेंटर एंड वेन्यू टेस्ट आप देख सकते हैं, आपको अगरतला रहेगा, ठीक है, और बाकी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा वेन्यू, ठीक है, आपको जो डाउनलोड होगा आपके एडमिट कार्ड पे। एप्लीकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पे आ रही है, तो ये आप यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जानकारी मैंने बताई है, अब हम दूसरे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। यहाँ पे जो आप डिटेल है पूरी एक बार आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। हमारा दूसरा नोटिफिकेशन हम आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरा नोटिफिकेशन है जो कि हमारा आपका दे सकते हैं आपका टेस्ट फॉर आपका ग्रेजुएट टीचर के लिए STSTGT, ठीक है। यहाँ पे आपको दे सकते हैं वैकेंसी दे रखी है 6, ठीक है। UR के लिए नील, ST के लिए आपको यहाँ पे दे रखी है, आप किस तरीके 175 वैकेंसी दे रखी है। ऑप्शन दे सकते हैं सोशल साइंस, ऑप्शन 2 बायोलॉजी साइंस, ऑप्शन 3 प्योर साइंस, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो वैकेंसी यहाँ पे आपको दिखने है, इंपोर्टेंट एंड सब में आपके एक जैसे ही, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं।
यहाँ पे फोटो आपका दे रखा तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं एक आपका जो सेलेक्टेड नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट वो ऑप्टेन मिनिमम 50%, आपके 150 में 75 नंबर लाते हैं जो यू आर कैंडिडेट के लिए, मिनिमम 45% आपको लेने के आने होंगे आपका, जो कि एस टी कैंडिडेट आपके एस टी एस टी पीजी फिजिकली आपके डिपेंडेंट लोगों के लिए कैंडिडेट के लिए दे रखा है, ठीक है। बाकी डिटेल है यहाँ पे, आप चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं, जो कि मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ग्रेजुएशन एसेंशियल मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है, आइदर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन आप नेशनल काउंसिल से होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन विथ 45% होना चाहिए आइदर, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, बैचलर आपका एजुकेशन होना चाहिए नेशनल काउंसिल टीचर से रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट से, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ 4 ईयर आपका बीए बीएड होना चाहिए, बीएससी एड होने नेशनल काउंसिल से, ठीक है। तो यहाँ 5% का रिलेक्शन मिल जाएगा, बाकी आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक सक्सेसफुली आपका ऑनर पास होना चाहिए 50% या 45% में भी, ठीक है। मार्क ऑनरली सब्जेक्ट एलिजिबल टू एस टी जी टी, ठीक है, ऑल इलेक्टिव सब्जेक्ट, अ कैंडिडेट विल सिक्योर 50% इन मार्क एग्रीगेट टेकिंग टूगेदर ऑल द ऑनर्स पास सब्जेक्ट एलिजिबल एस टी जी टी, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका आपका जो गो क्रेडिट स्कोर है जीपीए है तो उसको आपको कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे आपको देखने मिल जाए, बाकी आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एज लिमिट सब में सेम रखी गई है, ठीक है, बाकी वही है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सेम आपका वैसे ही रहेगा। सिलेबस की जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे नोटिफिकेशन पे, आप देख सकते हैं जो कि आपका टीआरबीटी का है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट टीचर 1 से लेकर 6 क्लास तक ग्रेजुएट टीचर आपका देखते हैं 6 से लेकर 8 तक का है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अंडर ग्रेजुएट टीचर फॉर क्लास 1 से 6 सीनियर सेकेंडरी विथ 50% पास होने से, 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, अप टू एकेडमिक सेशन 2004-05 सीनियर, या फिर होना सीनियर आपको सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है। आपको 40% मार्क होने, सेकेंड ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन वाई वाट एवर नेम नोन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रिकॉग्नाइज आपका होना चाहिए, ठीक है, जो कि रेगुलेट कर रहा है 2000 से, और इसके आपको दे सकते हैं सीनियर सेकेंडरी आपके आपको 50% होनी चाहिए, 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री बी एल एड, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन, तो ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका विद 50% से बैचलर आपका डिग्री होनी चाहिए, या सीनियर सेकेंडरी है आपका विद 50% मार्क होने जरूरी है। तो ग्रेजुएशन रिलेक्शन आप देख सकते हैं MRCET और 4/1/2019 से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो जानकारी आ रही है, आप पास त्रिपुरा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 ऑब्टेन सर्टिफिकेट इशू बाई, ठीक है, TRBT। तो यहाँ पे इसकी तरीके डिटेल आ रही है ग्रेजुएट टीचर के लिए, देख सकते हैं 6 से लेकर 8 के लिए, यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। ग्रेजुएट 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, ग्रेजुएट आप 50% मार्क दो आपको बीएड होना चाहिए, या आपको 45% यहाँ पे बीएड होना चाहिए, ठीक है। आप सीनियर सेकेंडरी है 50% होनी चाहिए, 4 ईयर आपका आपका बीएलएड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही है जो कि हम पहले भी हम बता चुके हैं, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपकी डिटेल है वो सेम है, ठीक है, यहाँ पे एज के बारे में बता रखा है। तो ये आप लोगों की वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं आपकी सैलरी दे रखी है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट टीचर के लिए आपको 1 से 4-5 वीक के लिए 16,000, और आपके 6/6 से लेकर 20,000 दे रखी है, ठीक है। प्रोसीजर जो ऑनलाइन यहाँ पे आपको जानकारी दे रखी है, ये आपके जो महत्वपूर्ण लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वैकेंसी मैंने आप लोगों के लिए बताई है, ठीक है, यहाँ पे आपको डिटेल देखने को मिल जाएगी, ठीक। ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 1/12 से लेकर 8/12 तक है, ठीक है, लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिट करने की 12/8/8/12 है फी कमें जमा करने की, ठीक है। टेंटेटिव कमेंसमेंट आपकी जो डेट है 14/12 रखी गई है। अगर फ्रेंड ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ें, ऐसे ही मैं डेली आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।